नया टॉपिक लेते हैं अब हम उपयोगिता की धारणा एवं सीमांत उपयोगिता, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चूंकि हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या होम साइंस में केवल आप एक आर्ट्स या साइंस नहीं पढ़ते हैं, इसके अंदर हम सभी चीज़ें पढ़ते हैं। इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, ठीक है ना। इसके अंदर हम आर्ट्स का भी बारे में पढ़ते हैं और हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये इकोनॉमिक्स में से है ना। इसमें इकोनॉमिक्स थोड़ी सी ज़्यादा है। उपयोगिता क्या होती है, ये डेफिनेशंस दे रखी है हमने। यह डेफिनेशन इकोनॉमिक्स ने दी है। थॉमस के अनुसार, अगर कोई वस्तु अथवा सेवा मनुष्य की किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता का तत्व निहित होता है, भले ही उसके उपयोग से व्यक्ति या समाज पर अहितकारी प्रभाव पड़े। तो उपयोगिता क्या होती है, थॉमस के अनुसार, एक बहुत बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनके अनुसार अगर कोई वस्तु, किसी भी वस्तु को लेते हैं हम, एक्स वाई जेड, कोई भी वस्तु को उसके यूज़ करने से, उसके काम में लेने से मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उपयोगिता का तत्व निहित होता है, भले उसके उपयोग से समाज को या व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम हानिकारक प्रभाव की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जितने भी टबैकोस होते हैं, अगर हमने वो किसी व्यक्ति ने वह लिए, है ना, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर के लिए क्या होते हैं और समाज के लिए, दोनों के लिए क्या होते हैं, वह अहितकारी होते हैं। चूंकि व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है। अब टबैको ग्रहण करना, टबैको उसने व्यक्ति ने लिया, उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, उसकी उपयोगिता है, उसको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसकी आवश्यकता को वह पूर्ण कर रहा है। टबैको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से क्या हो रहा है, उस व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है, परंतु क्या हो रहा है, वह समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए अहितकारी है। परंतु, फिर मैं आप इस रिपीट कर देती हूँ, वह उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो उपयोगिता वह होती है जिसमें मनुष्य की शारीरिक और मानसिक आवश्यकता को पूर्ण होती है। हो सकता है मेरी इस वस्तु से आवश्यकता पूर्ण होती है और किसी और व्यक्ति की उसी वस्तु से उसी समय उसी क्षण में वह आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। तो क्या होता है, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, व्यक्ति पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है मार्शल के अनुसार, मार्शल भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनके अनुसार उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु अथवा सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, क्षमता एवं गुण से लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता यदि उसको संतुष्ट कर रही है, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है वह वस्तु, तो वह उसके लिए उपयोगी हो सकता है। हो सकता है एक समय में वह वस्तु मेरे लिए उपयोगी हो और उसी कुछ समय के बाद मेरे लिए वह वस्तु अनुपयोगी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अभी वेजिटेबल कटिंग करनी है, सब्जी काटनी है, तो मेरे लिए क्या आवश्यक है, चाकू की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो वह उस समय चाकू मेरे लिए आवश्यकता है, तो वह मेरे लिए उपयोगी है। कुछ समय पश्चात, चूंकि मुझे घर के बाहर जाना है, तो मेरे लिए क्या उपयोगी है, व्हीकल उपयोगी होगा। वह मेरी आवश्यकता अगर चाकू के द्वारा की ली जाएगी तो वह पूर्ण नहीं कर सकता, तो उस समय मेरी उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता जो होती है वो चूंकि चेंज होती रहती है, तो उपयोगिता भी उस वस्तु की चेंज होती रहती है। अब हम इसकी उपयोगिता की धारणाओं की कुछ विशेषताएं देखेंगे। उपयोगिता का संबंध किसी वस्तु की लाभदायकता से नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि जो वस्तु हम उपयोग में ले रहे हैं उससे हमें फ़ायदा ही होगा या हमें हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो उपयोगिता का संबंध इससे नहीं होता है कि वस्तु से हमें फ़ायदा ही फायदा मिलेगा, हो सकता है उस वस्तु से उपयोग करने से हमें नुकसान भी मिले। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले टबैको की बात की थी, टबैको ग्रहण करने से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, परंतु उसके उपयोग से हमें संतुष्टि हो रही है,
ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, उससे हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परंतु उसके उपयोग से हमें संतुष्टि मिल रही है, तो वो क्या है, लाभदायक नहीं है हमारे लिए। तो उपयोगिता का संबंध किसी भी से भी लाभदायकता से वो नहीं हो सकता कि आप किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं तो उसको उससे आप लाभदायक या फायदेमंद ही हो। नेक्स्ट है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। मेरे को इस चीज की उपयोगिता है, हो सकता है मुझे उस चीज की उस समय उस परिस्थिति में उपयोगिता है, वही समय में उसी चीज की किसी और व्यक्ति के लिए उपयोगिता नहीं हो। चूंकि मैंने खाना नहीं खाया है तो मुझे खाने की उस समय उपयोगिता है, किसी और व्यक्ति ने उसके 10 मिनट पहले खाना खा लिया है तो वह खाना उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, अनुपयोगी हो गया। ठीक है, तो वह क्या है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, मेरी आवश्यकता के अनुसार मेरी उपयोगिता है। यदि मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे लिए क्या, सब्जी काट रहे हैं तो मुझे कटर की, वेजिटेबल कटर की या चाकू की आवश्यकता है, ये मेरी व्यक्तिगत आवश्यकता है। उस वस्तु की उपयोगिता सिर्फ मेरे लिए है, कोई और कुछ और काम कर रहा है तो वह चाकू या वेजिटेबल कटर उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगिता जो होती है वह व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता वस्तुगत नहीं वरन सापेक्षित होती है। उपयोगिता जो होती है उसको हम वस्तुगत न मान के सापेक्षित मानते हैं, जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। ठीक है, ये मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि मुझे अभी वेजिटेबल कटर की जरूरत है क्योंकि मैं अभी सब्जी काट रही हूँ, तो वह क्या है, मेरी समय और परिस्थिति के अनुसार उस चाकू की या वेजिटेबल कटर की उपयोगिता है। कुछ समय पश्चात जब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है सब्जी कटिंग का, वेजिटेबल कटिंग का, तो वह क्या हो गया, चाकू मेरे लिए अनुपयोगी हो गया। हो सकता है कि वो आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद या शाम के टाइम में कुछ समय पश्चात ही तुरंत वो मेरे लिए उपयोगी हो जाए, परंतु उस समय उस परिस्थिति के अनुसार यह वह चाकू मेरे लिए अनुपयोगी हो गया है। तो जो उपयोगिता होती है वस्तुगत ना होके सापेक्षित होती है, वह समय और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है, समय और परिस्थिति के और लक्ष्य क्या है उसके ऊपर उस वस्तु की उपयोगिता होती है। वस्तु तो वही है, चाकू तो वही है, अभी मेरे लिए उपयोगी हो गया, अभी मेरे लिए अनुपयोगी हो गया, तो वह वस्तुगत ना होके क्या हो गया, सापेक्षित हो गया। सापेक्षित का तात्पर्य है समय और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता और संतुष्टि दोनों समान शब्द समान अर्थ नहीं होते हैं। इन दोनों का जो ये है उपयोगिता वर्ड और ये जो वर्ड है संतुष्टि वर्ड, इन दोनों को आप एक अर्थ में नहीं लगा सकते। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद मैंने आम लिए, ठीक है, मार्केट जाने के बाद मैंने या कोई भी फ्रूट लिया, फ्रूट वो मेरे लिए क्या था, उपयोगी होया। ठीक है, घर आए, परंतु मुझे उसका जो मैंने टेस्ट देखा, जो समझा खरीदते समय, उसकी उससे मुझे वो संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। समझ रहे ना बात को, मैं वापस रिपीट करती हूँ इस बात को। मैंने एक फ्रूट लिया, उस समय वह फ्रूट मेरे लिए क्या था, उपयोगी था, मेरी आवश्यकता थी, परंतु जब मैंने उसका यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में मुझे उससे उतनी संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। उपयोगिता थी, संतुष्टि नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो दोनों का अर्थ सामान्य हुआ। हो सकता है कि उपयोगिता करने के बाद मुझे संतुष्टि का भी अनुभव हुआ, हो सकता है नहीं भी हुए। तो हम इस चीज़ का उपयोगिता और संतुष्टि, दो जो वर्ड्स हैं, उनको एक ट्रैक पे न रख के हम उनको अलग अलग ट्रैक पे रखते हैं। उपयोगिता मापी जा सकती है, कैसे मापी जा सकती है, उपयोगिता तो नहीं मापी जा सकती, बिल्कुल मापी जा सकती है उपयोगिता। उपयोगिता ऐसे मापी जा सकती है, आप उसका कितना प्राइस दे रहे हैं, उस वस्तु को लेने के लिए कितना प्राइस दे रहे हैं, वो उस आपके लिए उतनी उपयोगी है। वह वस्तु अगर मेरे लिए कम दाम में मिल रही है परंतु उसकी वस्तु की शॉर्टेज है, ठीक है, तो मैं उस वस्तु को क्या करूँगा, अधिक दाम दे के भी खरीद लूँगा क्योंकि मेरे लिए वो उपयोगी है ना। तो उसको हम मूल्य से माप भी सकते हैं कि आपने यह वस्तु आपके उपयोग के लिए किस समय कितने दाम में ली, उसके हिसाब से हम उसकी
मापी भी जा सकती है। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता कि यह चीज मेरे लिए कैसी उपयोगी, ये एक मानसिक रूप से आपको बताता है कि हाँ उपयोगिता है अथवा उपयोगिता नहीं है। ये आप भौतिक रूप से किसी भी तरह से नहीं बता सकते हैं, इसको केवल और केवल मानसिक रूप से दर्शाया जा सकता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता देखेंगे अब हम। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है कि मुझे वह वस्तु कितनी तीव्र रूप से आवश्यक है, मुझे उस व्यक्ति उस वस्तु की आवश्यकता कितनी तीव्र है। अगर मुझे उस वस्तु की आवश्यकता ज़्यादा तीव्र है, मुझे आम लेने हैं, मुझे कपड़े यही ड्रेस लेनी है क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, या एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो तो मुझे पर्टिकुलर ड्रेस लेनी है, मुझे उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तीव्रता मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम, ठीक है। अगर मुझे उसकी आवश्यकता ज़्यादा है तो वह वस्तु मेरे लिए उस समय उपयोगी बहुत होगी। अगर वह नहीं है उपयोगिता, अगर मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मार्केट में सामान लेने जाएं, ड्रेस लेने जाएं, अगर शॉपकीपर विक्रेता मुझे यह कह दे कि मेरे पास 3 दिन बाद नया स्टॉक आने वाला है, उसमें मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड करा, मैं 3 दिन बाद आके ले जाऊंगी, मतलब मुझे उस ड्रेस की आवश्यकता या तीव्रता कम है, तो मैंने वो उसकी अपनी आवश्यकता को 3 दिन के लिए टाल दिया। परंतु मुझे उसकी आवश्यकता आज और अभी है, तो जो मटेरियल अवेलेबल है, जो विक्रेता के पास मटेरियल अवेलेबल है, मुझे उसी में से सेलेक्ट करना होगा, तो वो क्या हो गया, मुझे उसकी उपयोगिता मेरे में तीव्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है न कि उत्पादक वस्तुओं से, कि मैंने उस वस्तु का उपभोग कितना करा, कितना है। मार्केट में तो बहुत सारी अवेलेबल है चीज़ें, है ना, मार्केट में वस्तुएं बहुत सारी अवेलेबल हैं, परंतु मुझे क्या है, कितना मैंने उस चीज़ का उपभोग करा, अवेलेबल वाली बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, परंतु हम अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे मैंने उसका यूटिलाइज कितना करा है, जो भी सामान है मैंने उसका यूटिलाइज कितना करा है, वह उसका संबंध उपयोगिता का संबंध उससे होता है, ना कि उससे होता है कि कितनी आपके पास अवेलेबिलिटी है। आपके पास हो सकता है अवेलेबिलिटी, फॉर एन एग्जाम्पल, 5 वेराइटी ऑफ चाकू की हो, परंतु मैं तो एक को ही डेली यूज कर रही हूँ। हो सकता है मेरे पास 100 ड्रेसेस हो, परंतु मैं तो 10 ही ड्रेस पहन रही हूँ। तो वैरायटी तो अवेलेबल है ना, उत्पादक मेरे पास वस्तुओं का बहुत सारा है, परंतु उसका उपभोग जितना किया जा रहा है, उसको यूज़ कितना किया जा रहा है, उसको यूटिलाइज कितना किया जा रहा है, उसका उपयोगिता का संबंध उससे होता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती है। जब तक आप किसी चीज़ का त्याग नहीं करते हैं, तब तक उस चीज़ की उपभोग नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप उपभोग नहीं कर सकते हैं, आप उपयोगिता को नहीं बता सकते। सिंपल सी बात है इसके अंदर कि आप अगर किसी वस्तु को लेना जाएंगे मार्केट में, तो क्या होगा, आपने उस वस्तु को लिया विक्रेता से, परंतु आपने किसका त्याग करा, आपने धन का त्याग करा, एक हाथ से आपने लिया, एक हाथ से आपने उस चीज़ का त्याग करा। तो उपयोगिता किसी भी चीज़ की, जब तक आप किसी चीज़ का त्याग नहीं करते हैं, तब तक आपको नहीं मिलता है। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, तो आपको आराम का त्याग करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई का उपयोग करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई का उपयोग करते हैं, तो आप एक अच्छे मुकाम पर, अच्छे लक्ष्य पर पहुंचते हैं। उसमें आपने किस किस चीज़ का त्याग करा है, आपने आपका आराम का त्याग करना है, आपने आपका उस समय का मनोरंजन का त्याग करा है। चूँकि आपने उसको त्याग करा है, तो आपको क्या उपभोग में मिला है, उपयोग में क्या मिला है, आपको अच्छा मुकाम जीवन में मिला है। उपयोगिता वास्तविक उपयोग उपभोग पर नहीं निर्भर करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी उपयोगिता तो थी कि मैंने मार्केट से जाके फ्रूट्स ले लिए, ठीक है, परंतु मैंने उसका उपभोग नहीं करा है। आवश्यकता थी, ठीक है, आवश्यकता मेरे शरीर को है कि मैं फ्रूट्स लेऊं, मैंने मार्केट से आके फ्रूट्स ले लिए, मेरी आवश्यकता है, परंतु मैंने उसका उपभोग नहीं करा, मुझे मानसिक संतुष्टि हो गई है, ठीक है। तो आवश्यक उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती कि उपभोग कितना कर रहा है आपने उसका। आवश्यकता आवश्यकता होती है, मेरी आवश्यकता है क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है, तो मेरी आवश्यकता है कि मेरे पास मार्केट जाके आज मैंने ये लिया, आज मैंने वो खरीदा, क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है, उपभोग तो करना ही नहीं मुझे उसका। मेरी आवश्यकता है
कि मुझे मार्केट जाना है, मुझे मटेरियल लेना है, परंतु मुझे उसका उपभोग करना है या नहीं करना, ये मेरी आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है पॉइंट, उपयोगिता का संबंध उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर होता है कि हाँ मेरी मानसिक स्थिति ये है कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ के बिना मैं नहीं रह सकती। भले ही वह चीज़ हो सकता है कि वह मेरा उस वस्तु के बिना मेरा जीवन यापन बहुत आसानी से हो सकता है। टीवी जो आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहा है उसके बिना मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह यापन हो सकता है, परंतु मेरी मानसिक स्थिति ये कहती है कि नहीं, मेरे घर में एक स्मार्ट टीवी होना बहुत आवश्यक है। चूँकि मेरी मानसिक स्थिति है, क्यों मेरी मानसिक स्थिति है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। हो सकता है इसके पीछे मेरा पीयर ग्रुप का प्रेशर हो सकता है, इसके पीछे मेरा स्टैंडर्ड डिमांड कर रहा हो सकता है मेरी वैल्यूज इसके इस तरीके की हो कि मेरी का मानसिक स्थिति ये बन चुकी है कि मेरी आवश्यकता क्या है स्मार्ट टीवी की। हो सकता है मैं उसको उपभोग करूँ ना करूँ, इस वाले पॉइंट के हिसाब से मैंने उपभोग नहीं करा, परंतु मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी मानसिक स्थिति जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से मेरी आवश्यकता होगी। यदि मेरी मानसिक स्थिति ये कहती है कि नहीं मुझे स्मार्ट टीवी की आवश्यकता नहीं है, मेरा आराम से जीवन यापन स्मार्ट टीवी के बिना हो सकता है, तो मेरी आवश्यकता ही नहीं उस चीज़ की। तो आवश्यकता इस पर डिपेंड करती है कि जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। अब हम उपयोगिता के भेद पढ़ेंगे। उपयोगिता के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक है मार्जिनल यूटिलिटी और सेकंड है टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, एक है धनात्मक, एक है शून्य और एक है ऋणात्मक। हमने देखा उपयोगिता क्या होती है, अब हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, उपयोगिता का मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होती है सीमांत उपयोगिता और एक होता है कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता को डिफाइन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, तो ऐसे करते हैं, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है जो वस्तु के उपयोग उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन से होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हमने कुछ वस्तु यूज़ करी, केवल उसका एक यूज़ करा, तो उसके उपभोग से हमें हमारे को उसकी यूटिलिटी कितनी फ़र्क पड़ता है, उस को हम उसकी सीमांत उपयोगिता करते हैं। और उसकी कितनी यूनिट्स को हमने सीमांत उपयोगिता की उपभोग में लिया उसको हम बोलते हैं कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, कुल मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता को हम उस उपयोगिता को कहते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर वस्तु को कितना उपभोग में लिया है और उसके उपभोग में लेने से उसकी इकाई में कितना परिवर्तन हुआ है, उसे हम उसकी सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। अब हम इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे सीमांत उपयोगिता का, कि अगर आपके सामने थाली रखी, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपके सामने थाली रखी, तो आपको प्रथम रोटी जो होगी वो बहुत टेस्टी लगेगी, फिर आपको दूसरी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपको तीसरी, तो ये क्या चल रहा है, इसमें अभी आवश्यकता दिखाई दे रही है, तो वह क्या हो गई, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, थाली है, भूख लग रही है और हमें रोटी की आवश्यकता हो रही, तो वह धनात्मक की तरफ होगी जब तक हमारे हमें आवश्यकता है। अब हमारी आवश्यकता कम हो रही है, हमारी भूख जो हो रही है वह शांत हो रही, तो वह शून्य की तरफ आएगी। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप उस जो प्रथम रोटी की आवश्यकता थी जो धनात्मक थी, वह आपको धीरे धीरे क्या होती गई, नहीं चाहिए मुझे रोटी, ठीक है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो वह क्या होगी, ऋणात्मकता की तरफ बढ़ेंगी। प्रथम में क्या हो गया, धनात्मकता थी, आपने दो ली, फिर तीन ली, फिर दो ली, फिर चाहिए या नहीं चाहिए इसके आधार में रहे, तो आपने क्या किया, एक ली, फिर आपने उसको मना कर दिया, तो वह क्या हो गया, ऋणात्मकता की तरफ चलेगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को, इकाई को, जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना इकाई की, तो हम उस चीज़ की यूज़ कितना कर पा रहे हैं, उपभोग कितना कर रहे हैं, उस चीज़ का उपभोग से हमें कितनी संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। पहले क्या होगा,
धन उसी चीज की, ठीक है ना। जब हम चपाती की बात करें, चपाती वही है, सब्जी वही है, परंतु क्या है, हमारी भूख शांत होगी। तो पहले तो क्या था, धनात्मकता की तरफ थी, फिर क्या हो गया, शून्य की तरफ होगी, और फिर क्या हो गया, ऋणात्मकता की तरफ होगी कि हमने उस चीज को मना कर दिया। और अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, इसको हम सबको ऐड करेंगे, धनात्मकता को, शून्य को और ऋणात्मकता को, तो क्या आएगी, कुल यूटिलिटी या मार्जिनल टोटल यूटिलिटी का आएगी। सीमांत उपयोगिता को हम इस फॉर्मूले के साथ भी दिखा सकते हैं, वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, ठीक है, वस्तु की कुल उपयोगिता में धनात्मक से शून्य, शून्य से ऋणात्मकता की तरफ परिवर्तन, डिवाइडेड बाय वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन, कि आपको वस्तु की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। वापस रिपीट कर देते हैं हम इस फॉर्मूले को। सीमांत उपयोगिता को यदि किसी फॉर्मूले के द्वारा दिखाया जा सकता है तो वो फॉर्मूला ये कहलाता है, वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कि हाँ पहले मुझे दो की आवश्यकता थी, फिर एक की आवश्यकता होगी, तो वो क्या हो गया, उपयोगिता में परिवर्तन हो गया, और वस्तु की कुल मात्रा में डिवाइडेड बाय कुल मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता कहलाता है। और इन अगर इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तो वह क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक का तात्पर्य होता है कि हमें किसी वस्तु के उपयोग करने से कितनी संतुष्टि का अनुभव होता है। जब हम पहली रोटी लेते हैं तो हमारी धनात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी रोटी लेने पे धनात्मकता ज़्यादा से थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर उसमें पहले में क्या हो रही है, धनात्मकता 3 आ रही है, तो फिर हमें नेक्स्ट बार में क्या होगी, 2 आएगी। तो वो अगर पहली बार किसी चीज़ को यूज़ करने पे उस चीज़ की संतुष्टि हमें कितनी होती है, उसे हम उसकी धनात्मकता कहते हैं। फिर सेकंड में पॉइंट में आता है शून्य। शून्य में ये आता है कि ना आपकी उस चीज़ की उपयोग करने से, उस चीज़ का उपभोग करने से आपको ना संतुष्टि हो रही है, ना आपको ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ठीक है, आ रही है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्टि हो रही है हमें। फिर आप उस चीज़ को ना कह देते हैं, नहीं कह रहे हैं जहाँ, तो वो क्या होता है, आपकी ऋणात्मकता की तरफ आपका ग्राफ बढ़ता जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा धनात्मकता से ऋणात्मकता की तरफ बढ़ता है। क्यों धनात्मकता से ऋणात्मकता की तरफ बढ़ता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को पहली बार उपभोग में लेने से, पहली बार उसको उपयोग में लेने से सबसे ज़्यादा संतुष्टि होती है। चूँकि हमने उसको उपभोग में ले लिया, हमने उसको उपयोग में ले लिया, तो हमें संतुष्टि होती है, तो हम उसकी तरफ ऋणात्मकता की तरफ बढ़ते जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेंगे, आप जब हम पहली बार कोई व्हीकल खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें उस चीज़ का उपभोग खरीदने से हमें क्या होता है, उपभोग में लिया हमने उसको, उपभोग में लेने से हमें क्या, बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई। फिर ऊपर वाले का कर्म से हमें पास दूसरी गाड़ी भी आ गई, तीसरी व्हीकल भी आ गया, चौथा व्हीकल भी आ गया, पाँचवा व्हीकल भी आ गया, एंड सो ऑन, जब लास्ट में व्हीकल आएगा तो आपको उस चीज़ की खरीदने से उतनी संतुष्टि या उपभोग में लेने से उतनी संतुष्टि नहीं होगी जितनी कि हम पहली बार जब हम व्हीकल खरीदने गए थे। हम हमेशा ये बोलते हैं, हम पहली बार जब हमने साइकिल ली थी, हमारा व्हीकल साइकिल भी हो सकता है, फोर व्हीलर भी हो सकता है, पर हमें क्या बोलते हैं, जब हमने पहली बार जब साइकिल का लिया था तब हमें इतना संतुष्टि का अनुभव हुआ था जितना हमें आज फोर व्हीलर लेने पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, धनात्मकता की तरफ से ऋणात्मकता की तरफ उपभोगिता बढ़ती जाती है। नया टॉपिक देखते हैं अब हम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम। हास्य नियम मतलब डिट्यूरेटिंग नियम, ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब नीचे की तरफ गिरता हुआ। चैपमैन के अनुसार किसी भी वस्तु की जितनी भी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उस वस्तु की मात्राओं में वृद्धि करने में हम उतना ही कम इच्छुक होते हैं, अर्थात उस वस्तु की हम वृद्धि नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कोई वस्तु अवेलेबल है और मेरे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, तो मैं उस वस्तु को और खरीदने में कंपैरेटिवली दूसरी वस्तु जो मेरे पास नहीं है उससे मैं कम इच्छुक रहूँगी, मैं उस वस्तु की मैं अपने पास वृद्धि नहीं करना चाहूँगी,
वापिस समझते हैं हम इस बात को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह कहता है यदि हमारे पास कोई भी वस्तु अधिक मात्रा में अवेलेबल होती है, फॉर एन एग्जाम्पल यदि मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे फोर व्हीलर्स हैं, तो मैं उसकी मात्रा को और खरीदने में कम इच्छुक होंगे क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मुझे उससे मानसिक संतुष्टि हो चुकी है, मैं उसकी वस्तु की मात्रा को बढ़ाने में इच्छुक नहीं रहूंगा, उसे खरीदने में इच्छुक नहीं रहती हूँ। ठीक है, जिसके पास जो भी वस्तु है एक्स वाई जेड उसके पास अवेलेबल बहुत सारी क्वांटिटी में, तो वो उसको कम यूज में खरीदने में कम इच्छुक रहता है। अब हम एक परिभाषा और देखेंगे एडवर्ड के अनुसार। एडवर्ड के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ में उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटते क्रम में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई वस्तु है हम उसका उपभोग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उसका उपभोग करते जाएंगे प्रत्येक उपभोग में वृद्धि के साथ, मतलब प्रत्येक उपभोग करने के पश्चात में हमें उसकी उपयोगिता, उसी वस्तु की उपयोगिता घटते क्रम में हो जाएगी। अगर हम उस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, इसका हमने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर आपको भूख लग रही है और आप खाने में बैठे हैं, तो आपको प्रथम रोटी खाने के पश्चात दूसरी रोटी पे उतना उपयोगी नहीं लगेगी, तीसरी रोटी उतनी उपयोगी नहीं लगेगी, और जो चौथी पांचवी छठी रोटी वो तो बिल्कुल ही उपयोगी नहीं लगेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस वस्तु का उपभोग करा, उपयोग करा, उपयोग में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, जितना ज़्यादा हम उस उपयोग करते गए तो हमें उसकी उपयोगिता कम दिखाई देती गई। जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते गए, उपभोग करते गए, उसी वस्तु की उपयोगिता हमें क्रमशः घटते क्रम में दिखाई दी। इसका हमने एग्जाम्पल देख रखा है यहाँ पे। अगर हमने प्रथम चपाती ली, हमने छह चपाती का एग्जाम्पल लिया है, अगर हमने प्रथम चपाती ली उसकी उपयोगिता सीमित था, फॉर एन एग्जाम्पल हम जस्ट बता रहे हैं आपको 20 है, तो उसकी कुल उपयोगिता भी कितनी हुई, 20 हुई। फिर दूसरी चपाती ली आपने, दूसरी चपाती पर उस उपयोगिता आपके लिए क्या हो गई, कम हो गई। पहले कितनी थी, 20 थी उसकी उपयोगिता, फिर आपकी कितनी हो गई, 17 हो गई। तो कुल उपयोगिता कितनी होगी सेकंड रोटी पे, क्योंकि हम कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया, प्रथम और दूसरे को जोड़ा तो कितना आ गया, 37 हो गया। फिर हम धीरे 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 उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। ये तो क्या है, ये है धनात्मक। हमने जब पढ़ी थी तब हमने देखा था कि ये तीन तरह की होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। चूंकि इसकी उपयोगिता अभी बढ़ रही है तो ये क्या है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर इसकी उपयोगिता शून्य हो रही, इसमें इसकी चपाती की उपयोगिता नहीं रही है, तो वो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, शून्य सीमांत उपयोगिता हो गई। अब हमें जब उस चपाती के लिए या उस रोटी के लिए हमने क्या कह दिया, ना, नहीं कह दिया, तो ये वाली जो उपयोगिता हो गई वो इसकी हो गई ऋणात्मक उपयोग, सीमांत उपयोगिता। मतलब कहने का यह है कि जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती गई, 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गई, क्वांटिटी इसकी बढ़ती जा रही है। किसी वस्तु की क्वांटिटी क्या आ रही है, हम बढ़ा रहे हैं, चूंकि हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या है, पहले जब हमने पहली वस्तु ली तो उसको, उस वस्तु की हमारी क्या उपयोगिता धनात्मक थी, दूसरी में उसकी उपयोगिता कम होती गई, तीसरी में कम होती गई, चौथी में कम हो गई, अब पांचवी में आते आते उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्या हो गई, शून्य हो गई, नहीं अब थोड़ी सी नहीं, नहीं चाहिए। और छठी में आते आते चपाती में क्या हो गया, हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ऋणात्मकता की तरफ हो गई, हमने टोटली उस चीज़ को मना कर दिया कि हमें इस चपाती की, इस रोटी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वो उसकी ऋणात्मकता की तरफ हो गई। तो और उसकी कुल को हम जोड़ देंगे कि हमारी कैसे बढ़ जाएगी, इसमें पहली में कितनी उपयोगिता थी, फिर पहली और दूसरी को मिलाया, फिर दूसरी और तीसरी को मिलाया, फिर हमने देखा कि जब हम इन तीनों में, ये तो क्या थी हमारी धनात्मकता थी, ये क्या था हमारा, शून्य था, और लास्ट में हमारा क्या आई, ऋणात्मकता, मतलब हमने इसमें से 4 पॉइंट्स को माइनस कर दिया।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने अच्छी तरह समझ लिया कि हम किसी वस्तु की अगर हम उस चीज को उपभोग करते हैं, उस चीज का यूज करते हैं, तो पहली बार यूज करते हैं हम, तो हमें हमारी उसकी उपयोगिता बहुत अच्छी लगती है, उसको उपभोग करने से हमें अतिरिक्त संतुष्टि का अनुभव होता है। फिर जैसे जैसे हम उसकी उपभोग में लाते जाते हैं, उपयोग में लाते जाते हैं, तो उसके हमें डिक्रीसिंग ग्राफ की तरफ बढ़ता जाता है। पहले हमारा धनात्मकता की तरफ होता है, फिर हमारा ग्राफ उसी वस्तु की, ठीक है, उसी वस्तु की हम उपभोग में जितना लेते हैं उसकी हमें ऋणात्मकता की तरफ ग्राफ बढ़ता जाता है। अब हम सीमांत उपयोगिता के हास्य नियम की कुछ मान्यताएं हम सीमाएं देखते हैं। सबसे प्रथम इसमें यह है कि वस्तु की सभी इकाइयों गुण व मात्रा में समान होने चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उपभोग करने के साथ में ऋणात्मकता की तरफ बढ़ती जा रही है, घटती जाती है, वह तब घटेगी जब वह वस्तु की गुण और मात्रा समान हो, है ना। जैसे हमने चपाती की बात कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं समय चपाती का। व्यक्ति अगर भूखा है और उसको एक मोटी चपाती दी जा रही है, एक पतली चपाती दी जा रही है, एक छोटी चपाती दी जा रही है, एक बाजरे की रोटी दी जा रही है, एक मक्के की रोटी दी जा रही है, एक गेहूं की रोटी दी जा रही है, तो इसमें क्या है, गुण और मात्रा अलग अलग आ रही है, ठीक है। चूंकि गुण और मात्रा अलग अलग आती है तो हम इसको किसी भी उस तरीके से तय नहीं कर पाते हैं, चूंकि हम उसका उपभोग तय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसकी एक सीमा होती है, ठीक है। तो हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी तब देखते हैं जब वस्तु की जो भी इकाई आ रही मतलब जितनी भी चपाती आ रही है उसकी गुण और मात्रा, या कोई भी सामान हम उपभोग कर रहे हैं तो उसकी गुण व मात्रा समान होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम गुण व मात्रा की बात करते हैं तो हम फोर व्हीलर्स की बात करें। अगर फोर व्हीलर ही फोर व्हीलर्स आ रहे हैं आपके, तो गुण व मात्रा समान आ रहे हैं। अगर एक टू व्हीलर आ रहा है, एक फोर व्हीलर आ रहा है, एक बाईसाइकिल आ रही है, तो क्या है, सबसे पहले बाईसाइकिल आई, गुण व मात्रा अलग थे, फिर टू व्हीलर आया तो उसकी गुण व मात्रा अलग थे, फोर व्हीलर आया तो उसकी गुण व मात्रा अलग थे। तो ये चूंकि अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के आ रहे हैं, तो हम इसकी ये सीमा होती है कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को नापना चाहते हैं तो कोई भी वस्तु है उसकी गुण व मात्रा समान होने चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। उपभोक्ता क्या है, जो वस्तु को उपभोग में ले रहा है, जो भी वस्तु को उपभोग में ले रहा है उसकी मानसिक स्थिति सेम होनी चाहिए। अगर आपने उस व्यक्ति का प्रथम चपाती रखी, बहुत ही शांत माहौल था, वातावरण में बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था, दूसरी चपाती रखी, दूसरी चपाती गुण व मात्रा तो सेम है, ठीक है, गुण व मात्रा तो सेम है, परंतु बाहर से बहुत शोर आने लग गया या एकदम से कोई विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या होता है, उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है ना। तो मानसिक स्थिति में परिवर्तन होते ही यहाँ पे ये इसकी एक सीमा हो जाती है। नेक्स्ट है, वस्तु की इकाइयों में निरंतर उपभोग होना चाहिए। यह नहीं होता है कि हमने अभी खाना खाया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमने नाप ली, फिर हम आधे घंटे बाद खाना खाएंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नाप लेंगे। एक साथ उपभोग में करने से निरंतर उस इकाई का उपभोग होता रहता है, तभी आप उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को नापा जा सकता है। अगर उपभोग में नहीं ले रहे हैं, अभी उपभोग में लिया, फिर आज के दो साल बाद उपभोग में लिया, फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं इसकी तीव्रता उतनी ही है जितनी उस समय हमने दो साल पहले ली थी, ठीक है, तो वो उसका तो कोई यूटिलिटी होगी नहीं, क्योंकि आपने बीच में कितना गैप दे दिया, दो साल का एक लंबा गैप दे दिया। तो यूटिलिटी आप किसी चीज की तब नाप सकते हैं जबकि आप उस पर्टिकुलर यूनिट का, उस चीज का उपभोग लगातार निरंतर क्रमवार में करते जा रहे हैं। वस्तुओं की इकाइयां उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। वस्तु की इकाई उपयुक्त मात्रा में होने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु है, यह नहीं है कि वो एक साथ दो रख दी या चार आ गई, वस्तु की उपयुक्त मात्रा अवेलेबल होनी चाहिए जितना व्यक्ति उपभोग में कर सकता है। अगर वस्तु की मात्रा ही उपलब्ध नहीं है तो आप किस तरह से उसकी यूटिलिटी मानेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति खाना खाने बैठा है, आपके ने केवल सर्व करने के लिए दो चपाती है आपके पास में, ठीक है, व्यक्ति खाना खाने पर उसकी डिमांड तो छह चपाती की है, तो आप कैसे मानोगे कि वो धनात्मकता की तरफ है या ऋणात्मकता की तरफ है या शून्य की तरफ है,
आप कैसे मानेंगे उस चीज को? नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास उसकी उपयुक्त मात्रा ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उस वस्तु की, उस चीज की इकाई का पर्टिकुलर मात्रा में, अच्छी मात्रा में अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। वस्त्रों का मूल्य एक समान होना चाहिए। मूल्य से मतलब यह है कि उसकी कॉस्ट एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपके लिए, आप मार्केट गए, आपने आम लिए, ठीक है, आपकी उपयोगिता आपको ना अपनी, एक आम की कीमत ज़्यादा आ रही है, दूसरे आम की कीमत ज़्यादा कम आ रही है, तो आप उस वस्तु के मूल्य, चूंकि डिफरेंस है, हम इस आम तो आम है, ठीक है, कोई भी फ्रूट, फॉरन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, फ्रूट तो फ्रूट है। अब फ्रूट में एक ही फ्रूट का, एक ही वैरायटी ऑफ फ्रूट का कॉस्ट ज़्यादा, एक ही वैरायटी ऑफ फ्रूट की कॉस्ट ज़्यादा, उपभोग क्या करना है? उपभोग तो हमें दोनों को करना है, एक साथ करना है, एक समान करना है। तो चूंकि उपभोग करना है हमें, गुण व मात्रा उसकी समान है, परंतु उसी वस्तु का मूल्य अलग हो गया, तो मूल्य अलग होने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता की सुखद आर्थिक स्थिति होना, उपभोक्ता की सुखद आर्थिक स्थिति होने से मतलब ये होता है, जिस भी परिस्थिति में आप मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे हैं, उस वस्तु को खरीदने में उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सक्षम होनी चाहिए। हम उपभोग में लेने वाली वस्तु का, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। हाई क्लास ग्रुप में अलग कर सकते हैं, मिडिल क्लास ग्रुप में अलग कर सकते हैं, लोअर क्लास ग्रुप में अलग कर सकते हैं, परंतु उस व्यक्ति की, उस उपभोक्ता की उस वस्तु को खरीदने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग वस्तु हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, परंतु जो उपभोग कर रहा है, जो उपभोक्ता है, उसकी आर्थिक स्थिति उस वस्तु खरीदने में सही होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति की सही होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति सही होगी तभी आप मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लागू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उपभोग के स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उपभोक्ता वस्तु को उपयोग में ले रहा है, उसका जो स्थान है वह वही रहना चाहिए। अगर स्थान में परिवर्तन हो गया, क्योंकि स्थान में परिवर्तन हो गया तो एनवायरनमेंट बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया तो हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा धनात्मक हो जाए या ऋणात्मकता की तरफ आ जाए या शून्य की तरफ हो जाए। अगर वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी आपको नापनी है, आपको फाइंड आउट करनी है, तो उपभोग करने वाला का स्थान में कभी भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रदर्शन मतलब अगर हम मार्केट गए सामान लेने के लिए, है ना, तो विक्रेता ने हमारे पास में वैरायटी ऑफ सामान लगा दिया, वैरायटी ऑफ सामान, हम एक ड्रेस लेने गए थे, हम चार ड्रेस लेकर आए, तो वो क्या है कि उपभोक्ता का प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ गया, ठीक है ना। उसने उसको विक्रेता का कार्य तो था ही अपनी वस्तुओं को बेचना, परंतु क्या हुआ, उपभोक्ता पर उसका प्रभाव पड़ा, उसका प्रदर्शन का प्रभाव पड़ा। प्रदर्शन का प्रभाव पड़ने से हम उस चीज़ की यूटिलिटी, जो एक ड्रेस की यूटिलिटी थी, जो चार ड्रेस की यूटिलिटी होगी, उसके अंदर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते मार्जिनल यूटिलिटी का। तो उपभोक्ता पे कभी भी प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन एवं आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब हम लंबे समय तक किसी की यूटिलिटी को देखना चाहते हैं, किसी वस्तु की यूटिलिटी को देखना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उपभोक्ता की जो भी उपभोग उपयोग में किसी भी वस्तु को ले रहा है, उसकी आदत, रुचि, फैशन और आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में परिवर्तन होने से आप इस चीज़ को नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव उस वस्तु की उपयोगिता पर पड़ने लग जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर इस किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, आय इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगी तो खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ेगा। अगर मेरी एक बेडशीट में या मेरे पास एक सिंगल डबल बेड में मेरा काम चल रहा था, परंतु चूंकि मेरे पास मेरी इनकम में वृद्धि हुई है, तो मेरे को उसकी एक डबल बेडशीट या एक डबल बेड या एक सोफा, किसी भी उसकी उपयोगिता मेरे लिए वह नहीं रही,
जो मेरे पास कम आय में थी, मेरे पास ज्यादा आय हो गई तो मेरे को ज्यादा जो चीजों की जरूरत पड़ने लगी, मेरे पास कम आय कम चीजों में जरूरत पड़ने लगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी नापनी है, किसी भी वस्तु की उपयोगिता नापनी है, तो आपकी जो उपभोग कर रहा होता है व्यक्ति, उसकी आदत, रुचि, फैशन और आय में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।